सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल। जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी। दोस्तों, जो पंजाब में सरसों का साग बनता है ना, उसे बनने में टोटल लगते हैं 4 से 5 घंटे। और आजकल की बिजी लाइफ में इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है, तो आज मैं आपके लिए एक इजी तरीका लेकर आई हूँ सरसों का साग बनाने का। पर मतलब ये जो सरसों का साग है ना, इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। आप एक बारी ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वाली सरसों की साग की रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि ये है थोड़ी सी डिफरेंट। थोड़ी सी डिफरेंट कैसे? क्योंकि इसलिए जो ऑथेंटिक सरसों का साग होता है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सरसों की भाजी ले रखी है, जिसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और उसकी स्टेम्स हटा दी हैं। यहाँ पालक लिया हुआ है और साथ में लिया हुआ है भतुआ। अब इन तीनों का रेशियो कैसा है? जितना सरसों उससे हाफ पालक और उससे हाफ भतुआ। अब इन सारी भाजी को हमें काटना है, तो यहाँ पर मैं ये चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। इस चॉपर में हम डाल देते हैं भाजी हमारी और फिर हम इसे बारीक कट कर लेंगे। और इसे देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। ये चॉपर आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा चॉपर है, इससे बहुत ही बारीक कट हो जाती है। अभी देखिए दोस्तों, अभी उतनी बारीक नहीं हुई है क्योंकि इसे मैंने ज़्यादा नहीं चॉप किया है। अब इसे मैं थोड़ा सा और चॉप करूँगी, फिर आप देखिएगा कि इसका एंड रिज़ल्ट कितना परफेक्ट आता है, कितनी बारीक आपकी भाजी कट जाएगी, जो कि नॉर्मली बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है हाथों से काटना। और ये देखिए हमारी भाजी कितनी अच्छी तरीके से कट चुकी है, कितनी बारीक कटी हुई है। तो इसी तरीके से हम सारी भाजी कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने सरसों, पालक और भतुआ तीनों को बारीक कट कर लिया है। अब इन भाजी का हम क्या करेंगे, इसे हम एक कुकर में डाल देते हैं। कुकर में आप कटी हुई सरसों, कटी हुई पालक और कटी हुई भतुआ डाल दीजिए। और अब हम इसमें एक विसल लगाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले एक विसल लगाएंगे, क्योंकि पत्तों में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि उसके भाप से ये पत्ते जो है पक जाएंगे। आप एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें आप घी डाल दीजिए। एक बड़ी चम्मच घी डालना है, सरसों का साग हम घी में बनाएंगे। और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 लाल मिर्च को 1 इंच के टुकड़े में काट कर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है आपके सरसों के साग में। आप देखेंगे जब घी गर्म है तो मिर्च जो है फूल जाएगी। तब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। और इन्हें हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई। दोस्तों, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बारीक कटी हुई यूज़ कर रही हूँ। बारीक जो कटे हुए पीसेस होते हैं उससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। आप प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब तक प्याज भुन रही है, तब तक देखिए यहाँ पर हमारी भाजी जो है अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी और एक ग्राइंडर की मदद से इसे हल्का ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं ग्राइंड करना है, इस तरीके से दरदरा ग्राइंड करना है। और देखिए भाजी ग्राइंड हो चुकी है और यहाँ पर हमारी प्याज भी भुन चुकी है, तो उसमें हम डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया पाउडर। मसालों को मिक्स कर दीजिए प्याज के साथ। प्याज में मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो इसमें अब आप डाल दीजिए भाजी और भाजी को प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे अभी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की। दोस्तों, भाजी में लहसुन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, नमक तो स्वाद अनुसार ही जाएगा। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए।
अब हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मक्के का आटा, जिसे आप कॉर्न मील भी बोलते हैं, और इसकी हम एक प्यूरी बना लेते हैं। पानी की मदद से एक प्यूरी रेडी कर लेते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो प्यूरी हमने रेडी की है ना, इसे हम हमारी सरसों के साग में डालेंगे। जो मक्के का आटा है वो एक बाइंडिंग का काम करेगा। अभी आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं सरसों के साग में वो अलग-अलग हैं, उतना मज़ा नहीं आता है खाने में, लेकिन ये जो हम बाइंडिंग एजेंट डाल रहे हैं मक्के का आटा, इससे जो आपकी सरसों की साग है वो एक दिल हो जाती है। वैसे लोग इसमें बिना प्यूरी बनाए डालते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं इसमें प्यूरी बना के डालूं, ताकि मक्के के आटे के पीसेस ना रह जाएं आपकी सरसों के साग में। अब इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कीजिए, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी। दोस्तों ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली ऑथेंटिक सरसों के साग में टमाटर की प्यूरी नहीं डाली जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी सरसों होती है ना, वो बिल्कुल वो पंजाब वाली तो होती नहीं है ताज़ी, तो थोड़ी कड़वाती है, इसलिए इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए पकाइए, और ये देखिए आपकी सरसों की साग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसका कलर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, मेहंदी कलर वैसा ही होना चाहिए आपकी सरसों का साग का। इसे टेस्ट कीजिए, और वाह जी वाह, इतना टेस्टी है ना। आप भी अपने घरों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी। आई नो ये ऑथेंटिक सरसों के साग की रेसिपी नहीं है, बट आई लाइक सरसों के साग दिस वे। आप इस तरीके से सरसों की साग बनाएं, एंड मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।